की बाजीराव की एंट्री मेकर्स कब चाहते हैं फिल्म रिलीज करना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति और आज आपके लिए लेकर आई हूँ सिंगम 3 से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी आखिरकार सिनेमा घर पहुंच ही गई। अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ स्टार निर्देशक रोहित शेट्टी की इस फिल्म का दर्शकों को काफी लंबे वक्त से इंतजार था। कोरोना लॉकडाउन की वजह से ये फिल्म डेढ़ साल की देरी से सिनेमा घर पहुंची है। रोहित शेट्टी के स्कॉप यूनिवर्स ड्रामा में एक साथ अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और अजय देवगन नजर आए हैं। फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलता दिख रहा है। इसके साथ ही हमारे हाथ एक मेगा स्पॉइलर लगा है। बता दें, रोहित शेट्टी ने सूर्यवंशी की रिलीज के साथ ही सिंगम 3 पर से पर्दा हटा दिया है। जी हाँ, अजय देवगन स्टार फिल्म सिंगम 3 जल्द ही दर्शकों के बीच पहुंचने वाली है। इसकी जानकारी सूर्यवंशी के जरिए मेकर्स ने दी है। यही नहीं, इस बार बाजीराव की एंट्री पाकिस्तान में होने वाली है, जिससे फिल्म के इंतजार में बैठे दर्शक सातवें आसमान पर पहुंचने लगे हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साफ हो गया है कि रोहित शेट्टी की इस फिल्म में एक बार फिर बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन सिंगम के अवतार में दिखने वाले हैं। रोहित शेट्टी अपने आयरन मैन अजय देवगन के साथ कॉप यूनिवर्स की अगली कड़ी पर काम करने की तैयारी कर रहे हैं। ये अजय देवगन की अगली फिल्म सिंगम 3 है। इस फिल्म का कनेक्शन इस बार पाकिस्तान से होगा। फिल्म में सिंघम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छिपे हुए आतंकवादी संगठनों का खुलासा करेगा। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो रोहित शेट्टी ने अजय देवगन स्टार सिंघम 3 की रिलीज डेट लॉक कर दी है। बहुप्रतीक्षित कॉप थ्रिलर स्वतंत्रता दिवस 2023 के वीकेंड के दौरान बड़े पर्दे पर आएगी। ये एक देशभक्ति फिल्म होगी जिस पर रोहित शेट्टी और अजय देवगन की जोड़ी साथ काम करेगी। ये फिल्म भारत पाक संबंधों की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। निर्माताओं को लगता है कि स्वतंत्रता दिवस 2023 के वीकेंड के दौरान फिल्म को बड़े पर्दे पर लाना सबसे अच्छा ऑप्शन है। वेल दर्शकों, तो क्या आप अजय देवगन और रोहित शेट्टी की इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। जाते जाते कीजिए इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।